एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग इंडोनेशिया के बाली में खत्म हो चुकी है और ECC के अध्यक्ष जयसवाल को लेकर एक दो बड़ी न्यूज आई है और बताया गया है कि इस मीटिंग में सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है और यह मीटिंग जो है दो दिन तक चली, जिसमें एशिया के सभी क्रिकेट बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने हिस्सा लिया इसमें। और इस ACC की मीटिंग में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर भी फैसला लिया जाना था, लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इस समय स्टार के पास TV और डिज्नी प्लस हॉट स्टार के पास डिजिटल राइट्स हैं। अगला एशिया कप 2025 में होना है और जो T20 फॉर्मेट में कराया जाएगा। और एशिया कप 2025 की जो मेजबानी है, दो देश सामने आए हैं, पहला नाम है ओमान और दूसरा नाम है UAE। एशिया कप 2025 के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है, मगर एक समस्या है, ओमान और UAE जो है ACC के एसोसिएट देश है, जबकि मेजबानी उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसके फुल मेंबर होते हैं। 2023 का एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में श्रीलंका पाकिस्तान में हुआ था और यह टूर्नामेंट भारतीय टीम ने जीता था। और इस समय टोटल 25 देश जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो उद्देश्य है एशिया में क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और उसका विकास करना है। ये भी खबर आ रही है कि जयशाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले चुनाव से पहले ही वह अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें ICC चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चुनाव इसी साल नवंबर में होना है।